देखते रहिए हिंद टीवी न्यूज। रोजाना की तरह आज भी हम आपको दिखाएंगे एक नई खोज, एक नई खबर, एक नए नेता के साथ मुलाकात। आइए लिए चलते हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखते रहिए हिंद टीवी न्यूज पर। आपका चैनल, आपकी आवाज 24 घंटे आपके साथ। ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबर से हवाला। आज हम दिल्ली की कड़कड़ डूमा कोर्ट में मौजूद हैं, जो आजकल ट्रैफिक नियमों की बड़ी कड़ाई से पेश हो रहे हैं। इस संबंध में बातचीत करते हैं एडवोकेट दानिश जी से। आइए बात करते हैं वकील साहब। एक और आजकल जो है काफ़ी चर्चा में है, जैसे कि ये ट्रैफिक जो रूल्स हैं उसमें काफ़ी लोग परेशान हैं कि बिल भी इतने तकड़े तकड़े आ रहे हैं कि लोग बाग अपनी मोटरसाइकिल अपने घर की छतों पे पहुँचा दिए उन्होंने, तो ऐसी लिए क्या चीज़ है असलियत में? ये कानून जो बना है बिल्कुल सही बना है, इसको गवर्नमेंट को पहले ही बना देना चाहिए था। आपने देखा होगा पहले छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 14 साल की है 15 साल की है, घर से मोटरसाइकिल निकाली और चल गए सड़क पर, और फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब से ये कानून बना है कुछ ना कुछ सख्ती आई है, लोगों ने भी इसको फॉलो करना शुरू किया है। अब आप सड़क पर जाइए तो आपको सभी हेलमेट में नज़र आएंगे, सभी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले नज़र आएंगे, रेड लाइट से बचते हुए नज़र आएंगे। तो ये जितना भी कानून है ये पब्लिक के लिए ही बनाया। ड्राइविंग लाइसेंस किसके लिए है? जो चला रहा है उसके लिए है। इंश्योरेंस किसके लिए है? जो चला रहा है बाइक उसके लिए है। नहीं, चालान इतने महंगे महंगे क्यों हो रहे हैं? पब्लिक के लिए है चालान महंगे, इसलिए हुए हैं ताकि उसको फॉलो करें। आप अगर आपके पास 25,000 की स्कूटी है, आप नहीं चाहोगे कि आपका चालान 50,000 का हो, तो आप उससे बचने के लिए जितने भी रूल्स गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस का हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, चाहे पॉल्यूशन का हो, आप उसको फॉलो करेंगे, अपने कागज़ पूरे करेंगे। तो पब्लिक को चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको पूरे करके फिर घर से बाहर निकलें मोटरसाइकिल के साथ। कभी कभी देखा गया है कि पुलिस वाले जो इस चीज़ के मातहत हैं वो भी रूल्स नहीं निभा पाते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए सख्ती होनी चाहिए, उनसे ऊपर अथॉरिटी है, पब्लिक को उनकी वीडियोस बना करके ट्रैफिक की जो वेबसाइट है उस पर पोस्ट करना चाहिए। इसके लिए हर चीज़ के लिए कानून है, तो ऐसा नहीं है कि जो पुलिस वाले हैं उनके लिए कानून नहीं है, उनके लिए भी कानून है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो पब्लिक उसकी वीडियो बना सकती है। आजकल तो बहुत ईजी है वीडियोस बनाना, उनकी वीडियो बनाए और ट्रैफिक पुलिस की जो वेबसाइट है आप उस पर पोस्ट करिए, उनके खिलाफ एक्शन होगा। अगर एक्शन नहीं होता है तो फिर उसको फॉलो करिए, आगे परसू करिए, उनके और हायर अथॉरिटीज़ में आप कंप्लेन करिए। आजकल जो ऑटो वगैरह चलते हैं रोड पर उनके अंदर ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ आवाज़ से वो, क्या इसके लिए भी कोई प्राविधान है? इसके लिए भी प्रावधान है, एक गवर्नमेंट ने एक पैमाना बनाया हुआ पैरामीटर कि आप इससे ज़्यादा वॉइस। क्या ये ज़रूरी है इसके अंदर लाउड स्पीकर लगे? उसके लिए ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि उनका चालान करें, सख्ती से उनके साथ पेश आए, ऐसे ऑटोज़ को जो है सीज करें। नहीं, आपके कानून में जिस तरह से आप एडवोकेट हैं इसकी कौन सी धारा लगती है? मोटर व्हीकल्स एक्ट इसके लिए बना हुआ है, मोटर व्हीकल एक्ट में जो है उनको फाइन किया जाता है, कोर्ट उनको फाइन करती है।